दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की तरफ से डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे, फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नोटिस आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लेह लद्दाख की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पर आपकी अलग अलग ब्रांचों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर आपकी गेस्ट फैकल्टी पोजीशंस पर वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर लोकल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिविल इंजीनियर्स के लिए। टोटल यहाँ पर 8 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 8 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 4 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है गेस्ट फैकल्टी सिविल इंजीनियर्स के लिए। क्वालिफ़िकेशन में आपको बताया है अगर आपने बीबीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में और बीबीटेक में आपके मिनिमम 55% मार्क हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा में मिनिमम आपके 65% मार्क हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है गेस्ट फैकल्टी कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने बीबीटेक किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, आपके 55% मार्क हैं, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, आपके 65% मार्क हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लास्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने बीबीटेक किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है रिलेवेंट ब्रांच में, मिनिमम आपके 55% या फिर 65% मार्क हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। बात करें आपके पे लेवल के बारे में तो सैलरी यहाँ पर आपको 30,000 रुपये प्रति मंथ मिलने वाली है। अगर आपने बीबीटेक या फिर डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में तो अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑफलाइन रहने वाला है। आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बहुत अच्छी तरीके से फिलअप करना है। इसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको आपको सेल्फ टेस्ट करना है और आपको भेज देना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके 15 मार्च तक इनके ऑफिशियल एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका मेरिट बेस्ड होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।